बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है मजेदार सा मसालेदार मटन अखनी पुलाव। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये रेसिपी मेरी स्टाइल में किस तरह से बनती है। अखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मटन को बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, ये 1 किलो की क्वांटिटी में हमने मटन ले लिया है, साथ ही में एक बैंगन को छोटा छोटा पीस करके हमने ले लिया है। माशाल्लाह, इस तरह से जब हम लोग ये बैंगन को एड करके तरकारी बॉइल करते हैं तो तरकारी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। देखिए, इसके अंदर हम लोग 4 से 5 हरी मिर्च और 3 बड़े बड़े प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके ले लिया, ये ऐड कर देंगे। प्याज और ये बैंगन सब ऐड करने से माशाल्लाह हमारी तरकारी में टेस्ट अच्छा आता है। और देखिए, ये तज ले लिए है मैंने 4 हरी इलायची, काली मिरी, 2 स्टार फूल, 1 पिंच सा जीरा, 4 से 5 लवंग, 3 तेज पत्ता, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही में अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे 2 बड़े टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन की पेस्ट हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करनी है, साथ ही में थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के मुताबिक नमक। और गैस की फ्लेम हम लोग ऑन कर लेंगे और इस तरकारी को इस तरह से अच्छे से मिक्स करके पूरा इस काम का पानी हमें जला लेना है। सबसे पहले देखिए, हमारे तरकारी का माशाल्लाह अच्छे से आम का पानी पूरा जल चुका है। इस तरह का प्रोसेस करने से तरकारी में स्मेल नहीं आती है। अब हम लोग इसके अंदर 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, जितना हमें तरकारी बॉइल करने में पानी चाहिए। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हम लोग 3 से 4 गैस की कुकर की सीटी ले देंगे, जब तक हमारा मटर अच्छे से गल जाए। बिरयानी के चावल को हमने 4 से 5 लीटर पानी गर्म करके बिरयानी के राइस को हमने अच्छी तरह से पहले आधे घंटे के लिए भिगो के रखा। और अब देखिए, मैंने सूखी लाल मिर्च और नमक सिर्फ डाल के अच्छे से हम लोग इसे 70 से 80% तक कुक करके ले लेंगे। एक तरफ हमारा मटन बॉईल हो रहा है और एक तरफ हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम लोग अखनी का मसाला भून लेते हैं। तो अखनी का मसाला भूनने के लिए मैंने 2 चम्मच भर के तेल गर्म कर लिया, जिसके अंदर हम लोग 4 से 5 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच भर के जीरा और 1 चुटकी सा जीरा ऐड कर देंगे। और साथ ही में 1 मुट्ठी भर के पुदीना ऐड कर देंगे। अच्छे से फ्राई होने देंगे हम लोग पुदीना और जीरा। पुदीना फ्राई हो चुका है तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें थोड़ा कम ऐड करना है, क्योंकि हमने मटन बॉईल करने में थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया है, ताकि मटन में अच्छे से फ्लेवर आ जाए अदरक लहसुन का। साथ ही में हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्च की पेस्ट हमें जिस हिसाब से हमें तीखा खाना है उस हिसाब से हमें देनी है। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, में थोड़ा सा नमक, नमक हमें देख के ऐड करना है, क्योंकि हमने मटन बॉईल करने में भी ऐड किया हुआ है और राइस में भी नमक है, तो इसमें देख के हमें थोड़ा ऐड करना है। इसमें 2 प्याज का बिगस्ता हम लोग ऐड कर देंगे। प्याज का बिगस्ता मैंने रेडी करके ले लिया है पहले से। अब इन सब मसालों को हम लोग अच्छे से भून देंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है हमारा, तो इसके अंदर हम लोग देखिए, ये 50 ग्राम दही हमने ले लिया है अच्छे से फेंट के, तो ये ऐड कर देंगे। दही हमें पूरा मसाला अच्छे से भूनने के बाद ऐड करना है। अब इसे भी दही का भी पानी हम लोग अच्छे से सूख जाने तक इसे भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह, हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, दही का पानी भी सूख चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी तरह से तेल उसे आ चुका है और साथ ही में हमारा मटन भी माशाल्लाह अच्छे से बॉइल हो चुका है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देखिए मटन के अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो ग्रेवी है मटन की, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग ऐड करेंगे। देखिए, मैंने सभी मटन को ऐड कर दिया। अब इस तरह से मसालों के साथ थोड़ा मटन को हम लोग भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और एकदम से झटपट से बनने वाला। ये मैंने अखनी पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है कि मटन की तरकारी अगर बनाने का हमें बोरिंग लगता हो तो हम इस तरह का अखनी पुलाव बना के खा सकते हैं घर में। देखिए, ये मैंने बिरयानी के राइस लिए। आप लोग चाहो तो जो खिचड़ी के नॉर्मल राइस आते हैं उससे भी आप लोग इस तरह का अखनी पुलाव बना के खा सकते हो। तो बिरयानी का रेडीमेड मसाला हमने ऐड नहीं किया है, इसमें जो घर के खड़े गर्म मसाले होते उसी से हमने अखनी पुलाव बना के रेडी किया है। देखिए, हम इस तरह से अब मसाले के साथ हमारा मटन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो ये जो सूप है वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे सूप में जो गरम मसालों का अदरक लहसुन का सबका फ्लेवर है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला और सब अच्छी तरह से भून चुका है, तो लाइट टाइम पे हम लोग 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे और ये 4 से 5 आलुओं को हमने अच्छे से गोल्डन फ्राई करके ले लिया, ये भी हम लोग ऐड कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप लोगों को पसंद हो तो इस तरह से देखिए कोयले का हम लोग धुंधार दे देंगे। अपने पुलाव में अक्सर ये देना जरूरी होता है, देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम लोग अखनी पुलाव की लेयर जमा लेते हैं। देखिए चावलों को अच्छे से मैंने 80% कुक करके ले लिया है और जिस सपेले में हमने चावल बॉईल किए थे उसी में हम लोग ने आए थे चावल ऐड कर दिए। साथ ही में देखिए हल्दी नमक ऐड करके हमने मसूर को भी बॉईल करके ले लिया है। मसूर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो लो, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बिरस्ता। अब देखिए हम लोग धीमे धीमे करके इस तरह से अखनी को ऐड कर देंगे। माशाल्लाह हमारी अखनी में बहुत अच्छी तरह से धुंधार हो गए और हमने पूरा ग्रीन मसाले में बनाया तो हमारी अखनी की रंगत भी बहुत अच्छी आई है। देखिए हमने सब अखनी ऐड कर दिया, थोड़े थोड़े से इस तरह से हम लोग चावल ऐड करते जाएंगे। अक्सर इस तरह का अखनी पुलाव हमें नियाज़ों में खाने को मिलता है, जब हमारे यहाँ दरगाहों पे उर्स होता है तब इस तरह का अखनी पुलाव हमें खाने को मिलता है। अब थोड़े से मसूर ऐड करेंगे। अब बचे हुए सब चावलों को हम लोग ऐड कर देंगे। हम इसमें 2 से 3 लेयर इसलिए नहीं जमाते कि अखनी पुलाव जमाने के बाद हम लोग पूरा मिक्स करके सर्व करेंगे। अब बचे हुए मसूर देखिए, अब हम इस तरह से थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहो तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हो। और ये पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा बिरस्ता ऐड कर देंगे। अब हमने एक कोयला एक साइड पर गर्म कर दिया है। अगर आप लोगों को इस टाइम पे भी धुंधार देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, उससे माशाल्लाह अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी अखनी में तो हमने धुंधार दिया है लेकिन इससे हमारे चावलों में भी अच्छे तरह से धुंधार आ जाता है। थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और अब 15 से 20 मिनट तक के लिए हम लोग इसे दम आने देंगे और उसके बाद सर्व कर देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा अखनी पुलाव अच्छे से दम आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग अखनी पुलाव को सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म हमारा अखनी पुलाव बनके रेडी है। देखिए माशाल्लाह हमारा अखनी पुलाव बनके रेडी है। हमने अखनी पुलाव को सर्व कर लिया है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।